हाय, मैं हूं तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। आज की बॉलीवुड की ब्रेकिंग खबर ये है कि प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला और डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने मंडे के दिन यानी के अपनी पिक्चर केदारनाथ के ट्रेलर लॉन्च के दिन कहा कि केदारनाथ में कुछ ऑफेंसिव नहीं है, यानी के केदारनाथ पिक्चर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो देख कर हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम आपको शुरू से बताते हैं कि क्या मामला है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी लीडर अजेंद्र अजय ने, जो साथ ही साथ देहरादून के बीजेपी मीडिया रिलेशन टीम के मेंबर भी है, उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के चेयरमैन पर्सन प्रसून जोशी को लिखा और मूवी केदारनाथ पे बैन मांगा, ये कहते हुए कि ये फिल्म बसी है हिंदू समाज के एक धार्मिक जगह पर केदारनाथ पे, और केदारनाथ पिक्चर हिंदू समाज की भावनाओं का मजाक उड़ाता है। और जब ये बात पूछी गई रॉनी स्क्रूवाला को, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, ना ही हमें किसी ने ये बात के लिए पूछा है, ना ही किसी ने हमें अप्रोच किया है, और दूसरी बात कि ये पिक्चर को सिर्फ सेंसर बोर्ड रिप्रेजेंट कर सकता है, और तीसरी बात ये है कि हम सब पहले भारतीय है और मुझे नहीं लगता कि ये पिक्चर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। बीजेपी के मेंबर यानी कि अजय अजेंद्र ने ये तक आरोप लगाया है कि ये पिक्चर लव जिहाद को प्रमोट करती है। इस पर रॉनी स्क्रूवाला ने ये कहा कि अपना राय बनाने से पिक्चर पहले देख लीजिए। बॉलीवुड की हर मूवी की तरह केदारनाथ पर भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी बन ही गई है। लोग 60 सेकंड का ट्रेलर देखकर अपने मन में फिल्म के बारे में कई राय बना देते हैं। तो ये तो थी फिल्म के प्रोड्यूसर्स की राय। अब आप लोग हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस मामले पर। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।